वहीं रायपुर में मंत्री कवासी लखमा को धमकी मिली। अंकुश शर्मा नाम के व्यक्ति ने फोन करके सीबीआई जांच की धमकी दी है। धमकी देने वाले शख्स ने अपने आप को दिल्ली का सीबीआई इंस्पेक्टर बताकर मंत्री के खिलाफ सीबीआई में मामला दर्ज होने की बात कही और इस मामले को रफा दफा करने और मंत्री से की और 2 लाख रुपए की भी मांग की। 20 दिसंबर को मंत्री के पास पहला कॉल आया था। पिछले 9 दिनों से लगातार फोन कर रहा, परेशान कर रहा है और मंत्री के पीएसओ नौने सिंह बागरी ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया। मामले की जांच में जुटी पुलिस, जिस फोन नंबर से मंत्री को फोन आया उसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश बताई गई है। क्योंकि मंत्री जी के नंबर पे व्हाट्सएप चलता नहीं है तो मेरा नंबर दिया गया और उसने मेरे नंबर पे कुछ 2-3 कागज कुछ इंग्लिश में है, वो समझ में नहीं आते क्या है, उन्होंने भेजा और जब से वो लगातार मैं उस नंबर पे मंत्री जी के नंबर पे और मेरा नंबर भी उसके पास चला गया तो मेरे नंबर पे लगातार वो बात कर रहे हैं। उसी संबंध में आज मैं सिविल लाइन थाने आया और उस अंकुश शर्मा जो अपने आप को बताता है उसके खिलाफ FIR करा रहा हूँ। ये अभी जो आया है इसमें 2 फोन पे आए, तो एक वहाँ पे प्लाटून कमांडर हैं, उनके भी उनसे भी एक बार बात हुई, उनसे भी यही बात बोला। फिर जो रेगुलर उनके साथ रहते PSO जो कि मंत्री जो उस टाइम मीटिंग में थे तो मोबाइल लेने के पास उन्होंने रिसीव किया था और बाद में उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया। ऐसे करके 2-3 बार ऐसे बात सामने आ रही, उन्होंने व्हाट्सएप में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिया बता रहे। जांच का विषय हम जांच कर रहे हैं इसमें। रायपुर के साइंस